राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि अभी तक जो भी पैसा केंद्र से मिला है वो तो कोरोना के कहर से पहले भी मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार को इस मुश्किल वक्त में राज्य को बिना ब्याज के लोन देना चाहिए, जिससे राज्य को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि कुछ राज्य अपने नागरिकों को वापस लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार उन्हें घर भेजने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ पैसा मिला 2,750 करोड़, तो वो हमारा जो हिस्सा था रेगुलर वे में मिलना था, चाहे कोरोना नहीं आता तो ही मिलता। ये कोरोना की महामारी ने पूरा चौपट कर दिया है देश की अर्थव्यवस्था को, राज्यों की अर्थव्यवस्था को। उस वक्त में जब तक केंद्र सरकार से जो हम लोगों ने मांग की है, राज्यों के लिए भी अलग से ग्रांट के रूप में पैसा मिले, ब्याज मुक्त कर्जा लें तो ब्याज मुक्त लें हम लोग, कर्जे का जो जो लिमिट होती है वो बढ़ाएं, मांगे ऐसी कि जो वाजिब मांगे हैं, आउट ऑफ वे मांग कोई नहीं की हम लोगों ने, उसी रूप में भारत सरकार को बिहेव करना चाहिए। हमारी मांग पर ट्रेन भी चल गई है, आवागमन छूट मिल गई है, पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं आवागमन के लिए, ना तो वो भेजना चाहते हैं ना यहाँ से लेना चाहते हैं। इस कारण तकलीफ हमें हो रही है कि वो मजदूर लेना नहीं चाहते हैं। आप देखा होगा यूपी का तो परसों रात को क्या हुआ तमाशा, वहाँ पर बॉर्डर पर मजदूर जा चुके थे मध्य प्रदेश या गुजरात से सूरत से, और उनको वापस जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए बॉर्डर। तो ये स्थिति भी चीफ सेक्रेटरी लेवल पर लगातार प्रयास जारी है।